हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के वक्त जिस पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी ने खुद नेशनली करप्ट पार्टी कहा, आज वही पार्टी बीजेपी के फडणवीस सरकार के लिए बैसाखी बनती दिखाई दे रही है। शिवसेना ने साफ कर दिया है कि वो विपक्ष में बैठेगी, तो क्या एनसीपी की कठपुतली बन जाएंगे फडणवीस? महाराष्ट्र में शिवसेना को अब कैसे साधेंगे मोदी? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उसके पहले देखिए इस वक्त की हेडलाइन। होने से हाईकोर्ट सख्त, हरियाणा सरकार को निर्देश, 17 नवंबर को रामपाल को हर हाल में करें पेश। पेट्रोल डीजल फिर हो सकता है सस्ता, 15 नवंबर को हो सकता है ऐलान, कीमतों में 1 रूपये तक की कटौती मुमकिन। और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में सुरेश रैना की वापसी, केएल राहुल और कर्ण शर्मा होंगे नए चेहरे। महाराष्ट्र की राजनीति में कौन किसको दे रहा है और सत्ता के खेल में किसको मात मिलने वाली है, यह अब तक साफ नहीं है। बीजेपी अब दुविधा में है कि एनसीपी और शिवसेना में से चुने किसे। देवेंद्र फडणवीस की सरकार बचाने के लिए शिवसेना अपनी शर्तों पर सरकार में शामिल होने के लिए तैयार थी, लेकिन अब उसने औपचारिक तौर पर विपक्ष में बैठने का फैसला कर लिया है। वहीं एनसीपी बिना मांगे ही बीजेपी की सरकार बचाने के लिए समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार एनसीपी की कठपुतली बनकर चलेगी, अगर नहीं तो फिर अब शिवसेना को कैसे साधेंगे मोदी? महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए शिवसेना ने अपनी ओर से दरवाजे बंद कर दिए हैं। देवेंद्र फडणवीस सरकार को समर्थन के सवाल पर अब तक अपनी शर्तें गिनाती रही शिवसेना ने अब विपक्ष में बैठने का फैसला कर लिया है, और इसके लिए विधानसभा सचिवालय को बाकायदा चिट्ठी भेजकर शिवसेना विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग की है। शिवसेना के पक्ष प्रमुख जी ने मुझे गठन नेता का अवसर दिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के रास्ते अलग होने जा रहे हैं, इसका संकेत शिवसेना विधायकों ने विधानसभा की विशेष सत्र के पहले ही दिन दे दिया। किसके लिए लाइए? गडसे साहब के लिए लाइए। मराठी शाला, मराठी जितने स्कूल है वो शाला में, पाठशाला में उर्दू सिखाने का निर्णय खड़से साहब ने घोषित किया है। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार से अपने सांसदों को दूर रखकर शिवसेना ने रविवार को ही अपने तीखे तेवर दिखा दिए थे। शिवसेना ने तब ये अल्टीमेटम भी दे दिया था कि बीजेपी अगर गठबंधन चाहती है तो महाराष्ट्र में विश्वास मत से पहले एनसीपी से किनारा कर ले। 2 दिन अभी बाकी है, कल तो सारे विधायक है, नए जो चुने गए विधायक है वो अपनी शपथ ग्रहण करेंगे, परसों के दिन शायद अध्यक्ष जी का चुनाव होगा और उसके बाद पता चलेगा। मैं यही कहता हूँ, अगर हमें मंजूर नहीं होगी, ऐसी कुछ बात होगी तो हम विपक्ष में बैठेंगे और हम जनता के साथ हैं। लेकिन जब बीजेपी की ओर से शिवसेना की शर्तों को मानने का कोई संकेत नहीं मिला तो शिवसेना ने अपनी ओर से संकेत देना शुरू कर दिया कि अब दोस्ती की गुंजाइश खत्म ही समझो। और उद्धव साहब 12 तारीख को स्पष्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होगी, तो उसमें हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम पूरी करेंगे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार के पास बहुमत नहीं है और उसे 12 नवंबर को विधानसभा में बहुमत साबित करना है। हालांकि शिवसेना के विपक्ष में बैठने के ऐलान के बाद भी फडणवीस की सरकार बच जाएगी, इसकी गारंटी एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने बिना मांगे ही दे दी है। Nobody has come to us and requested us to give any type of support. It was a conscious decision, collective thinking of the NCP in the larger interest of the state. Unless and until certain positive steps are taken by certain sensible people, there will not be stable government. अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी महाराष्ट्र में एनसीपी के बाहरी समर्थन से सरकार चलाने को तैयार है? अगर हाँ
तो इस बात की क्या गारंटी है कि एनसीपी अपने समर्थन की कीमत नहीं वसूलेगी? क्या देवेंद्र फडणवीस एनसीपी के हाथों कठपुतली बनकर सरकार चलाएंगे, या फिर शिवसेना को साधने के लिए नरेंद्र मोदी के पास कोई तरीका अब भी बचा है? अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एनसीपी की कठपुतली अब बन जाएंगे फडणवीस? क्योंकि एनसीपी ने बिना मांगे समर्थन तो दे दिया है, लेकिन ये बात तय है इसकी पूरी कीमत वो जरूर वसूलेगी। इसी मुद्दे पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जीवीएल नरसिम्हा राव जी राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर संजय निरूपम हमारे साथ भोपाल से मौजूद हैं। मुंबई से हमारे साथ एनसीपी के स्पोक्स पर्सन उदय प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं। मुंबई से प्रेम शुक्ला जी, दोपहर सामना के एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं, और नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ प्रदीप सिंह जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल जीवीएल नरसिम्हा राव जी आपसे ही है, एनसीपी की कठपुतली बन जाएंगी क्या फडणवीस? क्योंकि शिवसेना तो अब विपक्ष में बैठेगी, फिर आप बहुमत साबित कैसे करेंगे? क्या एनसीपी के समर्थन से सरकार चलाएगी अब बीजेपी, ये बात पूरी तरह से तय मानी जाए? अब देखिए, जो भी निर्णय करना था, हमने एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में बनाया और हम एक स्टेबिलिटी के लिए राज्य में एक अच्छी सरकार देने के लिए जनता को, क्योंकि सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरा है महाराष्ट्र में, और सबसे ज्यादा जनादेश यदि किसी के पक्ष में है वो तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है, और हमारे पास, हमारे बाद जो दूसरे स्थान पर है शिवसेना, लगभग आधे सीट तो हमसे जो हमारी जो संख्या है उसमें लगभग आधे सीट मिले हैं उनको, बाकी को 40-42 सीटें मिले हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र के हित में, महाराष्ट्र में एक स्टेबिलिटी के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए, एक सुशासन के लिए हम समझते हैं राजनीतिक दल समर्थन करेंगे और हम अपने विश्वास मत प्राप्त करेंगे। यानी कि एनसीपी अब वॉकआउट करेगी और बीजेपी अल्पमत की सरकार चलाएगी 5 साल तक। आपको लगता है क्या कि ऐसे स्थिर सरकार महाराष्ट्र को आप दे पाएंगे जिसका वादा लगातार बीजेपी के लोग करते रहे हैं? जैसा जनता ने जनादेश दिया है उसी जनादेश के अंतर्गत, उस मैंडेट के साथ, जिस तरह की जो कुछ कमियां स्टेबिलिटी को लेकर यदि किसी पार्टी वापस लेने की या समर्थन नहीं करने की धमकी देती है तो हमें कोई परेशानी नहीं है जी। सरकार यदि कोई गिराना चाहते हैं सभी दल मिला के, ठीक है, तो हमको जनता ने मेजर बहुमत नहीं दिया है, लेकिन जो संख्या बल दिया है उसके आधार पर हम सरकार को में अपनी बहुमत विधानसभा में साबित करना चाहते हैं। नहीं, नहीं, और जनता को सुशासन देना चाहते हैं। इस बात का आप जवाब दें कि क्या एनसीपी के समर्थन से बीजेपी सरकार चलाने जा रही है, सीधा सा जवाब सर। नहीं, हम समर्थन आज भी हम नहीं मांग रहे उनसे, जो दल समर्थन हमें करना चाहे, जो वॉकआउट करना चाहे जी, वो उनकी अपनी निर्णय है। हम उस पर किसी प्रकार की, हम किसी के ऊपर दबाव ना, हम किसी पर दबाव डालेंगे ना, किसी के दबाव में हम झुकेंगे। कान आप सीधे पकड़े या फिर घुमा के बात तो एक ही हो जाएगी ना, लेकिन एनसीपी का रुख समझ से परे है। और यही सवाल उदय प्रताप सिंह जी आपसे, एनसीपी इतनी उतावली क्यों है बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए? नहीं देखिए, जब चुनाव में सारी पार्टियां उतरी अलग अलग अपने सिंबल पे, तो उसमें जो जनादेश मिला सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जी बीजेपी को मिला, और एक हंग असेंबली का समय आ गया, उसको देखते हुए हमारे नेता माननीय शरद चंद्र जी पवार जी ने कहा कि एक स्थिर सरकार अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाना चाहती है तो हम उसको न विरोध करेंगे न सपोर्ट करेंगे। एक स्थिर सरकार अपने मेजोरिटी के हिसाब से जो जनमत मिला है चले, इस वजह से उन्होंने बीजेपी के बारे में यह वक्तव्य दिया। अगर यह सिचुएशन जी अगर शिवसेना के साथ में होता तो भी उनका स्टैंड वही होता। मैं कहता हूं दिल्ली में अगर सब लोग बोल रहे हैं जिस तरह से एनसीपी के बारे में, दिल्ली में केजरीवाल ने कांग्रेस को इससे भी भद्र आरोप लगा के सरकार में आए, फिर भी कांग्रेस ने उनको वहां पे, तो देखिए ना दिल्ली का फिर हाल क्या हुआ। राजधानी दिल्ली एक बार फिर से चुनावों में चली गई,
स्थिति तो यही हुई है ना, नतीजा कोई बहुत अच्छा तो निकला नहीं इसका, इसी वजह से चलिए मैं आऊंगी। नेता चाह रहे थे कि फिर से सिंचाई घोटाला भी एक बड़ी वजह है क्या करना पड़े, और इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उसके पहले प्रेम शुक्ला जी आपसे सीधा सा ये सवाल है, बीजेपी की स्थिति तो अभी भी समझ से परे है, उसका कहना है कि दरअसल लोग समर्थन देने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम क्या करें, और आपके लिए स्थिति क्या इतनी सहज हो चुकी है कि शिवसेना अब विपक्ष में बैठेगी या फिर 12 तारीख का इंतजार करेंगे अभी भी आप लोग? देखिए, जनादेश जो है वो सबसे सिंगल लार्जेस्ट होने का बीजेपी के पास है। राज्यपाल ने सरकार की शपथ दिलाई है भारतीय जनता पार्टी को। अब ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता का विषय है कि वो अपने विश्वास मत को किस तरह से पारित कराएगी और सरकार को कैसे सुशासन देगी, किस तरह से सरकार चलाएगी। दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में जनादेश वो शिवसेना के पास है जी। शिवसेना ने जो है वैचारिक आधार पर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका हमारा वैचारिक गठबंधन रहा है, तो उसने इस तरह के प्रयास निश्चित तौर पर किए कि किस तरह से हिंदुत्व को विभाजित न होने दिया जाए। और चूंकि सरकार कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ जनादेश आया है जी। और भारतीय जनता पार्टी स्वयं जो प्रचारित करती रही है, उनके चुनाव में भी जो पोस्टर था 11 लाख कुछ समथिंग करोड़ का घोटाला, और उस घोटाले में उन्होंने एनसीपी पर भी आरोप लगाया था। लेकिन महाराष्ट्र के विकास की सबसे बड़ी बाधा क्या थी? तो ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना है कि किस तरह से इस देश में, इस प्रदेश में जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका चुनाव प्रचार था, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में, सुशासन में उनको योग्य कौन साथ रहेगा, ये उनको निर्णय लेना है, वो ले रहे होंगे। बीजेपी भी खोलकर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, आप भी हिंदुत्व का एजेंडा भी लिए हुए हैं, लेकिन ये बात भी समझ से परे है। कल शाम 7 बजे उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, फिर 24 घंटे के भीतर ही शिवसेना विपक्ष में बैठने का निर्णय क्यों ले लेती है? 48 घंटे के बाद का इंतजार क्यों नहीं किया जाता? नहीं, सुन, उसमें एक रिमार्केबल बात यह है कि हिंदुत्व को लेकर सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहली बार बहुत दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए उतरा है मैदान में, और हिंदुत्व के आधार पर उतरा, प्रदीप सिंह जी भी इस चीज को मानेंगे, लेकिन उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चड्डी वाला कहने वाले, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हिंदू आतंकवाद की टर्मिनोलॉजी भारत की राजनीति में अगर कहीं से आई तो एनसीपी के माध्यम से आई, ऐसे लोगों का समर्थन लेकर सरकार चलाना यदि उचित उनको लगता है तो ये उनका विवेक है, उनको फैसला लेने का पूरा अधिकार है। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। शिवसेना को चूंकि जो है जी दूसरे बड़े दल के रूप में सरकार ने, जनता ने जनादेश दिया है, तो अपना जो संवैधानिक अधिकार है जी उसके संदर्भ में पत्र देना तो बहुत स्वाभाविक है। चले, कई गंभीर आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं, इसका नरसिम्हा राव जी जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले संजय निरूपम जी का मैं रुख करते हुए, संजय जी सभी पार्टियों का स्टैंड तो समझ में आ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इतनी घोर चुप्पी इस वक्त क्यों साधे रखी है? उसका स्टैंड तो बिल्कुल समझ से परे है। हमारा स्टैंड समझ से परे नहीं है, हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी स्थिति नहीं करना चाहते। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक गठबंधन या सरकार बनाने की बातचीत चल रही है, टूट रही है, उनका अंदरूनी विषय है जी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कभी हमारे साथ थी, हमारे साथ चुनाव लड़ती थी, पिछले चुनाव में वो हमसे अलग हो गई, ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसके साथ जाती है उनका विषय, लेकिन बड़ा विषय भारतीय जनता पार्टी का है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस पार्टी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा और जिस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव क्षेत्र में बारामती में जाके कहा कि देश 1947 में आजाद हुआ था और आज आप चाचा भतीजे से आजाद होने के लिए बीजेपी को वोट दे, वो बीजेपी राष्ट्रवादी कांग्रेस से समर्थन ले रही है। समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति को कौन सी दिशा देना चाहती है। बार बार बीजेपी के साथियों का यह कहना है कि हमने समर्थन नहीं मांगा, वो खुद समर्थन दे रहे हैं। अगर आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस के चरित्र पर संदेह था और है तो आपको भी कहना चाहिए कि हमें आपका समर्थन नहीं चाहिए। बिल्कुल। रह गई बात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, तो मैं समझ सकता हूं उनके कई मंत्री घोटाले में शामिल है, दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक बहुत तरह की बातें हैं, तो अगर उन घोटालों से जान बचाने के लिए हाथ मिलाना चाहते हैं ये उनका फैसला है। रह गई बात कांग्रेस पार्टी की, हमें महाराष्ट्र की जनता ने कहा विपक्ष में बैठिए, हम विपक्ष में बैठे जी। रह गई बात कांग्रेस पार्टी की, एक मिनट मैं पूरी कर लूं अपनी बात जी, अपनी बात पूरी कर लूं।
अपनी बात पूरी कर लूं, कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने कहा कि आप विपक्ष में बैठिए, हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। अब अगर हम शिवसेना से छोटी पार्टी है तो नेता विपक्ष हमारे पास नहीं होगा, अगर शिवसेना उधर ज्वाइन करती है तो नेता विपक्ष हमारे पास होगा। जो जनता का फैसला, जो विधान का फैसला, वो हमें स्वीकार है। बिल्कुल, जो फैसला जीवीएल नरसिम्हा राव जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद में प्रदीप जी के पास आऊंगी। सवाल वास्तव में बेहद गंभीर है। नरेंद्र मोदी बार बार जिस एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बता रहे हो, भाई भतीजावाद से मुक्ति दिलाने की बात कर रहे हो, उसी एनसीपी को लेकर बीजेपी ये साफ नहीं कर रही है कि वो उसके साथ जा रही है, जबकि तय तो यही है कि आप अल्पमत की सरकार बनाएंगे और वो बाहर से आपको समर्थन देगी, ऐसा क्यों? ये चित्रा जी नहीं कर रही है कि वो उसके साथ जा रही है, जबकि तय तो यही है कि आप अल्पमत की सरकार बनाएंगे और वो बाहर से आपको समर्थन देगी, ऐसा क्यों? ये चित्रा जी, जब ऐसे परिस्थितियां बनी है महाराष्ट्र में जहां सरकार देना हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी है, तो किसी न किसी तरह से सरकार बनना चाहिए। क्या हम भी बाहर बैठे और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाए? क्या महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव होना बेहतर स्थिति है? क्या किसी और के पास जनादेश है? ये काफी अहम सवाल है। जब कांग्रेस पार्टी इतनी बड़े बड़े बातें कहती है और चुनाव नतीजे जिस दिन आ रहे थे उसी दिन किसी प्रकार के पहल करना कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आ पाए, उसके लिए शिवसेना के साथ, जिसके खिलाफ वो आइडियोलॉजिकल काफी अपने आप को बहुत अलग बताते हैं, तो शिवसेना के साथ भी हम दोस्ती हाथ मिलाना चाहते हैं, इस तरह के बातें उन्होंने अपने पुरानी मित्र दल एनसीपी के साथ किए हैं, तो इस तरह के भाषण हमें नहीं सुनाई दे। नरसिम्हा राव जी, लेकिन बीजेपी सरकार ने कल तक डबल स्टैंड तो देखा जाता है ना, आप उनके खिलाफ निशाना साध रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, राजधानी दिल्ली में जब आपके पास 32 विधायक होते हैं 70 सदस्यों में से, तो आप कहते हैं कि हमें बहुमत नहीं मिला है इस वजह से हम विपक्ष में बैठेंगे। वही स्थिति जब महाराष्ट्र में होती है तो आप बिना किसी समर्थन के कहते हैं कि लोग ही बाहर से समर्थन दे रहे हैं तो हम क्या करें, और आप सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। ये दोहरा चरित्र बीजेपी का क्यों सामने आ रहा है? दिल्ली को लेकर कुछ अलग, महाराष्ट्र को लेकर कुछ अलग, बिल्कुल ये समान नहीं, दोनों स्थितियों में फर्क है। एक ये बात है कि 288 वाला विधानसभा है, वहां हमारा संख्या और जो बाहर जो इंडिपेंडेंस और छोटे दल वो सारे हमें समर्थन कर रहे हैं, उसकी संख्या मिलाकर हम बहुमत से बेहद करीब है, और वहां चुनाव के लिए कोई तैयार नहीं है, ना प्रजा तैयार है, ना राजनीतिक दल तैयार है। आज यदि एनसीपी दोबारा चुनाव में जाना चाहती है, कांग्रेस दोबारा चुनाव कराना चाहते हैं, शिवसेना भी चाहती है, आप हमें समर्थन मत दीजिए। हम किसी को मजबूर नहीं कर रहे, हम किसी को कोई लोभ नहीं दे रहे हैं, हम किसी को नहीं कर रहे हैं आपके प्रति हम कोई आपको मंत्रिमंडल में हम शामिल करेंगे जी। आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जिसके साथ आप दोस्त बने रहे, आप एक महीने तक आपने उनके साथ सत्ता का आपने भोग संभाला है, आप उसके ऊपर आज निशाना साध के और हमारे ऊपर तीर दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को इस बात का भरोसा कैसे दिलाएंगे आप कि एनसीपी का साथ लेकर भी आप कहेंगे कि एनसीपी हमारे साथ नहीं है? संजय जी जवाब दीजिए, प्रदीप जी के पास जाना है, बताइए। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि खंडित जनादेश देश में किसी राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार आया है, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। खंडित जनादेश था, विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था और किसी पार्टी ने सरकार नहीं बनाया था। एक दूसरी बात, दिल्ली के संदर्भ में आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछा है। दिल्ली में सबसे बड़े दल के तौर पे ये उभरे थे, मेरे ख्याल से 3 या 4 एमएलए इनके कम थे। मैंने कहा नहीं जी, हमको जनता का आदेश नहीं मिला, हम सरकार नहीं बनाएंगे। आखिरकार आम आदमी पार्टी सामने आई, उसका कांग्रेस ने कहा ठीक है साहब आप सरकार बना लो। वो एक प्रयोग फेल हो गया, ये बीजेपी भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है, पूरा देश देख रहा है। और उसके बाद उसी तरह का एक प्रयोग करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में किसी तरह सत्ता हथियाई जाए और अल्पमत की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पे लगभग 100 करोड़ रुपए करके खर्च करके पूरे देश को एक तमाशा दिखाया जाए। ऐसा बीजेपी ने पिछले दिनों किया, और यह बीजेपी का जो प्रयोग है, ये बेबुनियाद है आपके आरोप, नहीं होगा। और कहां 100 करोड़ खर्चा हुआ है? बहुत तरह के समझौते करने पड़ेंगे, बहुत तरह के भ्रष्टाचार और घोटालों को समर्थन। बिल्कुल, क्या उन तमाम समझौतों के लिए बीजेपी तैयार? रकम नहीं है बट, लेकिन 100 करोड़ का खर्चा हुआ है।
चलिए मैं आती हूँ आपके पास प्रदीप जी, अब आपसे मैं सवाल सीधे से ले लेती हूँ। वास्तव में क्या महाराष्ट्र की जनता को बीजेपी ये भरोसा दे पाएगी कि जिस एनसीपी को लेकर बार बार नरेंद्र मोदी तीखे बाढ़ छोड़ते थे, उसी एनसीपी के साथ भले ही वो बाहर से समर्थन दे और खुद एनसीपी उतावली दिखाई दे रही हो, लेकिन जा तो रहे हैं एनसीपी के साथ ना, जवाब कैसे देंगे वहां की जनता को? देखिए चित्रा जी, जो मैंडेट है उसमें बड़ा स्पष्ट है कि सरकार महाराष्ट्र में तभी बन सकती है जब बीजेपी को शिवसेना समर्थन दे या एनसीपी दे या कांग्रेस दे। बिल्कुल, तीन में से एक दल अगर समर्थन नहीं देता है तो सरकार बहुमत की नहीं बन सकती। दूसरा विकल्प है कि फिर से चुनाव हो, लेकिन दिल्ली से जो अभी तुलना आप कर रहे थे उसमें फर्क, सिमिलरिटी भी है थोड़ा फर्क भी है जी। उसमें समानता यह है कि जैसे महाराष्ट्र दिल्ली में हुआ वैसे ही महाराष्ट्र में हुआ कि नतीजे आने के बाद दिल्ली में कांग्रेस ने कहा कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं, तो उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो बीजेपी को रोकना चाहते थे। बिल्कुल, एक मकसद था। दूसरा, जिस दल के प्रति इतनी लोगों में लोकप्रियता सहानुभूति है, आम आदमी पार्टी उस समय की, उसकी सिंपैथी गेन करना चाहते थे। दो मकसद थे, दोनों में एक तरह से काफी हद तक कामयाब हुए, बीजेपी को रोक दिया कांग्रेस जी। शरद पवार ने एक बहुत ही चालाकी भरा कदम उठाया। जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन उन्होंने घोषणा कर दी कि हम जो है इस सरकार को बाहर से समर्थन। सर यही तो सवाल है, क्यों एनसीपी इतनी उतावली क्यों दिखाई दे रही है? उनके तीन मकसद हैं जी। पहला मकसद, उन्होंने इस एक कदम से शिवसेना को सत्ता से बाहर रखने का बीजेपी को विकल्प दे दिया। अगर शिवसेना सत्ता में नहीं साझेदार बनती है तो शिवसेना कमजोर होगी, ऐसा शरद पवार का आकलन है। क्यों होगी? केंद्र की सत्ता से बाहर जाएगी, राज्य की सत्ता में नहीं होगी और बीएमसी से भी बाहर जाएगी। बिल्कुल, तो जो तीन स्तर है सत्ता के उन सबसे बाहर हो गए। लेकिन सर एक चीज मैं जोड़ दूं, अनंत गीते आज कैबिनेट की मीटिंग में गए, शिवसेना ने वहां पर विपक्ष में बैठने का फैसला ले लिया है और अब कैबिनेट में बैठ। दूसरा काम उन्होंने किया अपने इस स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक से, कि कांग्रेस पार्टी से विपक्ष के नेता का पद छीन लिया। अगर शिवसेना और बीजेपी मिल जाती तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होती, तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की रेस से बाहर। तीसरा, उन्होंने उनकी पिछली जो 15 साल सरकार चली कांग्रेस एनसीपी की, उनके मंत्रियों पर बहुत सारे आरोप हैं। अब सरकार जिसके समर्थन से चल रही है उसके लिए उनके खिलाफ काम करना मुश्किल हो जाएगा। करेंगे नहीं करेंगे ये आगे पता चलेगा, लेकिन उनके लिए निश्चित रूप से मुश्किल होगा कि अगर हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो हमारी सरकार की स्थिरता और सरकार का भविष्य दोनों खतरे में पड़ सकता है। बिल्कुल, तो ये शरद पवार के इस एक कदम का सबसे ज्यादा अभी फिलहाल नुकसान शिवसेना को हुआ। शिवसेना की जो बार्गेनिंग पावर थी वो शरद पवार ने छीन ली। अब शिवसेना का स्टैंड देखिए, अब एक हल्के फुल्के अंदाज में कहना चाहें, प्रेम शुक्ला जी बुरा न माने, फिल्म शोले सभी ने देखी होगी जी। उसमें जो धर्मेंद्र वाला दृश्य था, अंग्रेजी में सुसाइड करने पानी की टंकी पर चढ़े थे, कुछ वैसा हाल शिवसेना का इस समय कि न गांव वाले तैयार हो रहे हैं और न मौसी तैयार हो रही है, लेकिन सुसाइड का इरादा नहीं है। इसलिए अनंत गीते कैबिनेट की मीटिंग में शामिल होते हैं, इसलिए आप एक तरफ चिट्ठी लिखते हैं कि हम विपक्ष में बैठना चाहते हैं, विधानसभा के सचिव को, और दूसरी तरफ कहते हैं 48 घंटे का समय है। बिल्कुल, तो आप ये इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी किसी तरह से हमारी बात माने, और 48 घंटे देते भी नहीं है, 24 घंटे के भीतर ही फैसला हो जाता है। एक बार पूछ लेते हैं, आप ये बताइए प्रेम शुक्ला जी, मौसी कौन है जो आपकी बात नहीं मान रही? जी देखिए, प्रदीप जी ने उसको मौसी इत्यादि थोड़ा सा प्रसंग जोड़ दिया है। देखिए, हम लोग मौसी और माँ जो है इसके चक्कर में नहीं है, बहुत मूलभूत जो संवैधानिक स्थिति है, संवैधानिक स्थिति में उनको सरकार बनाना था, जिसको सरकार बनाना है वो बहुमत जुटाने का सारा प्रयास उसकी तरफ से होना चाहिए। वो चूंकि पहले से, जैसे कह रहे हैं कि शरद पवार जी ने उनको कुछ चुनाव के पहले भी कांग्रेस का आरोप रहा है जी जी, अब चलिए उनकी बात हम तक पूरी नहीं पहुंच पा रही है दोबारा। शरद उसमें कब की भी भूमिका रही, अब सरकार में भी भूमिका है, तो शरद पवार के साथ जो छद्म संबंध है कर निश्चित। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है प्रेम शुक्ला जी, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन यहां पर उदय प्रताप सिंह जी एक बार फिर से आपका ही रुख करते हुए, दरअसल 70,000 करोड़ का जो सिंचाई घोटाला है,
कहीं ना कहीं वो एक बड़ा दर्द बना हुआ है एनसीपी के लिए। यही वजह है कि बार बार बीजेपी ये भी कह रही है कि एनसीपी नेशनली करप्ट पार्टी है, थी और रहेगी, उसके बावजूद भी आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं और महाराष्ट्र में स्थिर सरकार की दुहाई देकर आप लोग बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। इस बात को क्यों नहीं मान रहे आप? देखिए, चुनाव में आरोप लगाना, सभी पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया है जी, या एनसीपी के ऊपर आरोप लगा हुआ है, कोई सिद्ध नहीं हुआ है। सीधे प्रधानमंत्री की ओर से जो बोल रहे थे जी, वो उनके मुख्यमंत्री के काल में, ये इतना उनको समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का था महाराष्ट्र प्रदेश में, तब क्यों नहीं बोले? आज गठबंधन टूटने के बाद वो आरोप लगा रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वो हालत हो गई है उनकी, तो ये लोग राष्ट्रवादी पर आरोप लगा रहे हैं। सबका टारगेट एनसीपी हो गई है, क्या कांग्रेस में करप्शन नहीं हुआ है? उनके मंत्री अंदर नहीं गए हैं? हमारा कोई भी मंत्री के ऊपर कोई भी आरोप लगा हुआ है, कोई सिद्ध नहीं हुआ है, पहले ही बता देना चाहता हूं मैं संजय निरुपम जी को। संजय निरुपम जी को आपने ये तमाम बातें बताई हैं, इसलिए उन्हीं से जवाब मेरा बनता भी है। वास्तव में संजय जी, आदर्श घोटाला और तमाम घोटाले थे, लेकिन चूंकि बात एनसीपी की चल रही है, मेरी बात रह गई है। शुक्ला जी, मैं आती हूँ, तुरंत आपके पास आती हूँ, लेकिन संजय जी ये बात तय है कि दरअसल एनसीपी आश्वस्त है कि अगर वो समर्थन देगी तो किसी भी तरह के घोटाले की जांच नहीं होगी। क्या यही वजह है कि इतना ज्यादा उतावलापन है सरकार बनवाने को लेकर? देखिए, पहली बात यह है कि जिसके मन में चोर होता है वो समझौता करता है। अगर कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग साफ सुथरे हैं तो ऐसी कौन से संवैधानिक संकट टालने की राजनीतिक जवाबदारी राष्ट्रवादी कांग्रेस को निभानी है, जो एकदम उतावलापन दिखा रहे हैं इस नई अल्पमत सरकार को समर्थन देने का? एक दूसरी बड़ी 40-40 सांसदों को प्रयोग फेल हो गया। आपके गांधी फैमिली वाले चोर मत था, उनके मन में मेरी बात हो जाती। दिल्ली में आपने बहुत सरकार बनाई है सपोर्ट करके, और मान्यवर मेरी बात हो जाती, सीट लिया है, तो क्या आपके नेताओं के मन में? मैं जरा अपनी बात पूरी कर लूं अगर आपकी अनुमति हो तो। इतिहास समझ कर बोला जाए बात, आदर्श आपसे निवेदन, आदर्श। अच्छा ठीक है, रह गई बात आदर्श की, तो आदर्श घोटाला तो मजाक बन गया है। जिसका फ्लैट आदर्श की बिल्डिंग में है, उसने कल कैबिनेट मिनिस्टर का ओथ लिया हुआ है, तो अब ये आदर्श घोटाला के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पास भी बोलने का कोई नैतिक साहस या नैतिक अधिकार नहीं रह गया। आखिरी बात जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस को अचानक भाजपा के प्रति जो विशेष प्रेम पैदा हुआ है, उस प्रेम के ऊपर संदेह होना एक किसी भी सामान्य व्यक्ति, सामान्य ज्ञान के व्यक्ति के दिमाग की भी बात हो सकती है। हम आप तो राजनीतिक बात कर रहे हैं यहां पे, तो ऐसे में अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथी को बुरा लग गया तो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन जो राजनीति राष्ट्रवादी कांग्रेस कर रही है उसमें और कुछ नहीं, नुकसान आपका है, क्योंकि आपकी पार्टी को प्रधानमंत्री ने नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था। आपकी पार्टी के ऊपर देवेंद्र फडणवीस ने 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला करने का आरोप लगाया था। अगर उसी पार्टी की सरकार को आप समर्थन देते तो आपकी अपनी सुबुद्धि का परिचायक हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से ये राजनीतिक चाल पड़े हो, कहीं ना कहीं आपके नैतिकता के ऊपर सवाल हुआ है। अरे उदय प्रताप सिंह जी, इतने गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए गए थे और इतनी तीखी तीखी बातें कही गई थी, उसके बावजूद भी आप लोगों को बुरा नहीं लगा और आप लोग बीजेपी की सरकार बनवाने पर आमादा हैं, किसी के मन में शक तो होगा ही। केवल एनसीपी के ऊपर ही नहीं आरोप लगे थे, सभी पार्टियां एक दूसरे पार्टियों के ऊपर आरोप लगाए थे जी, और पहले भी ऐसा हुआ है। मैं कहता हूं केजरीवाल ने कब तो आरोप लगाए, तो नहीं जा रहे ना समर्थन करने, हम थोड़ी समर्थन, यानी कि एनसीपी को अपनी स्थिति कांग्रेस की तरह ही नजर आती है। कांग्रेस ने जैसा दिल्ली में किया आम आदमी पार्टी के साथ, वैसा एनसीपी बीजेपी के साथ करी है महाराष्ट्र में। चंद्रशेखर देवगौड़ा सभी को आपने 40-40 संसदों को प्रधानमंत्री बनाया, आपकी नैतिकता कहां गई हुई थी जी? एक एक करके संजय निरुपम जी जल्दी से, उसके बाद नरसिम्हा राव जी कुछ कहना। मैं दिल्ली के संदर्भ में स्पष्ट कर दूं, दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को समर्थन दिया वो गलत था, हमें महसूस हो गया, लेकिन वही गलती अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस रिपीट करना चाहती है और उस गलती से कोई सीखना नहीं चाहती है तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस का अपना एक सामान्य ज्ञान का विषय। चलिए, यानी कि आप सलाह दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आती हूँ आपके पास जी, नरसिम्हा राव जी जरा आप स्थिति को स्पष्ट कीजिए, 12 नवंबर को होने क्या जा रहा है? क्या एनसीपी के समर्थन से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है? कम से कम महाराष्ट्र की जनता को ये बात आज बता दीजिए आप।
चित्रा जी वहाँ सरकार बन चुकी है, कोई सरकार नहीं बनाने जा रहे। विश्वास मत कैसे साबित करेंगे आप? सरकार की गठन हुआ है सभी मंत्रियों की, तो ये मैं आपको एक एक राजनीतिक एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। आई थिंक आपको आई थिंक सबको ये समझनी चाहिए, दिल्ली में जो सरकार बनी थी वहां कांग्रेस ने कांग्रेस को कई सारे आरोप कांग्रेस पर लगाई थी आम आदमी पार्टी, इसके बावजूद जनता ने आम आदमी पार्टी को कोई दोष नहीं दिया। आप इनका समर्थन क्यों लिया है? जनता की नाराजगी इस बात से है कि आपने 49 दिन में सरकार छोड़कर भागकर क्यों गए हैं? आप जनता की मानसिकता को समझिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी अच्छा करने जा रही है, सुशासन की सरकार? तो ये एक मिनट, नहीं नहीं आप देखिए, तो यदि हमारी सरकार, मैं आपको ये फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, यदि हमारे विश्वास मत में एनसीपी की गैर हाजिरी के कारण या उनके समर्थन के कारण यदि हमारी सरकार हम विश्वास मत प्राप्त करते हैं, तब भी ये फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, यदि हमारे विश्वास मत में एनसीपी की गैर हाजिरी के कारण या उनके समर्थन के कारण यदि हमारी सरकार हम विश्वास मत प्राप्त करते हैं, तब भी जनता में संदेश सही जाएगा। जनता में, जनता के बारे में हम सोचते हैं, आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अपने जनता में इमेज के लेकर, छवि को लेकर हमें बहुत कंसर्न है, बट लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है तब भी जनता मजबूरी समझेगी, सिंचाई घोटाले की जांच करवाएगी नहीं सरकार, अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं नहीं, जनता को काम से मतलब है, जनता को हमारी मैनिफेस्टो से मतलब जितना है, जितना भ्रष्टाचार हुआ है उसका पैसा वापस भी तो आना चाहिए ना सर। जाएंगे जी, किसी को रॉबर्ट वाड्रा को लेकर हरियाणा में तो आपने अपनी स्थिति साफ कर दी है, सिंचाई घोटाले को लेकर बीजेपी अपनी स्थिति साफ क्यों नहीं कर रही है अभी? हमने साफ किया है और कितने बार साफ करें, और क्या दोबारा डेली हमको बताने की आवश्यकता है? जांच होगी, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस की, आप देवेंद्र फडणवीस की इंटरव्यू सुनिए, आप मुझसे क्यों चाहते हैं? मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र जी ने कई इंटरव्यूज में कहा है, हमने जो जो प्रोमिसेस किए हैं, जिन जिन स्कैम्स के बारे में हमने उजागर किया, हम सबके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मतलब अजीत पवार के खिलाफ जांच कराएगी बीजेपी? समझौता की मतलब ही नहीं है। बिल्कुल, आपकी बातों से ये बात कम से कम समझ में आती है। सभी जिन स्कैम्स के बारे में जी, सभी हम जो जो घोटाले हुए हैं कांग्रेस एनसीपी कार्यकाल के समय, जो प्रॉमिसेस भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो हम प्रॉमिसेस को पूरा करेंगे, इससे स्पष्ट मैं नहीं कह सकता हूं और कुछ। यानी कि एनसीपी को ज्यादा फायदा नहीं होने जा रहा है, आप समर्थन दीजिए ना दीजिए जांच तो की जाएगी, चाहे वो अजित पवार हो या पूरे के पूरे सिंचाई घोटाले की बात हो, ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? उदय प्रताप सिंह जी, देखिए फायदा के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट दिया गया है स्थिर सरकार के लिए, महाराष्ट्र राज्य के विकास के लिए जी, और एक बार तो क्लीन चिट मुख्यमंत्री ने दिया हुआ है, एक बार चेक हो चाहे 10 बार चेक हो, उसके लिए हमारी पार्टी तैयार है कि वो चेक करावे, जो भी इंक्वायरी करावे। ये सिर्फ आरोप है, अगर आप अगर अंदर डीप में जाएंगे तो पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। प्रेम शुक्ला जी, क्या नहीं हुआ है, क्या राजनीति वास्तव में इतनी मासूम होती है कि वो हमारी जांच करा लें, वो कुछ भी करवा लें, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र का हित है इस वजह से हम उनका समर्थन करेंगे, क्या वास्तव में इसमें दम है? पहले प्रदीप सिंह जी का लगाव देना था, प्रदीप सिंह जी बहुत अच्छी बात कही, वो मौसी और वीरू की याद दिलाई शोले के जी, उसमें सिर्फ इतना याद मिलत दिलाना चाहूंगा कि अंत में शोले में गब्बर सिंह की मौत के बाद बसंती को ले जाने वाला वो वीरू ही है, तो हिंदुत्व की जो बसंती है, बसंत का भगवा ध्वज जो है वो शिवसेना के कंधे पर है, और आप उसे कुछ भी समझे लेकिन वो अंत में वीरू ही बचेगा, बाकी नहीं बचेंगे। यानी कि कोई मिलाकर आप यही कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए कोई समर्थन कर ले, लेकिन अंत में शिवसेना और बीजेपी एक ही होंगे? नहीं, मैं इस तरह का कोई दावा नहीं कर रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है जी, शिवसेना में ये निर्णय लेने के लिए शिवसेना पक्ष प्रमुख स्वयं है और समर्थन सारे दल ने उनको समर्थन दे रखा है। इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जो एनसीपी का जो पक्ष है जी, उसको जांचना बहुत आवश्यक है,
क्योंकि उनका पुराना जो अलायंस है वो भी इस तरह की बात कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी पहले दिन इस पर विरोध किया, इस तरह की खबरें आई थी। पता नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हस्तक्षेप करता है कि नहीं करता, किंतु जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एनसीपी को साथ नहीं लेना चाहती, उसका रीजन ये होगा, हम जो समझ पाते हैं कि चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आतंकी संगठन घोषित करने का प्रयास जिन शरद पवार ने किया, वो बिना किसी बड़े स्वार्थ के इस तरह मुफ्त में समर्थन नहीं देंगे, ये पूरे देश को लगता है, इसलिए उसका स्पष्टीकरण होगा तो बेहतर रहेगा। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन ये भी हम जानना चाहेंगे, 48 घंटे का अल्टीमेटम आप लोगों का काम तो नहीं आया, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक अपनी स्थिति साफ नहीं की, लेकिन अनंत गीते अगर कैबिनेट की मीटिंग में जाते हैं तो गुंजाइश तो छोड़ रही है ना शिवसेना 12 तारीख के लिए। अल्टीमेटम शब्द, अल्टीमेटम बहुत बड़ा शब्द होता है जी, और मुझे लगता है किसी राष्ट्रीय दल जिसको जनता ने 122 सीट दी हो उसको कोई अल्टीमेटम वगैरह राजनीति में नहीं देता है। हमारी अपनी संवैधानिक प्रक्रिया, हम उसका पालन कर रहे हैं, और आदरणीय उद्धव जी ने कहा हम हिंदुत्व को विभाजित नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ अपने संबंधों को स्पष्ट करें, इसमें क्या गलत है। यहाँ पर प्रदीप सिंह जी, एक चीज तो मुझे साफ साफ नजर आती है, पालन तो होगा ना, 12 नवंबर के लिए अभी भी बीजेपी और शिवसेना के बीच की गुंजाइश दिखाई दे रही है। प्रेम शुक्ला जी भी तीखे तेवर अपनाने को तैयार नहीं है, ये पत्र तो स्वाभाविक तौर पर देगा जी, दूसरे सबसे बड़े दल है, इसलिए विरोधी दल का नेता होने का हमारा अधिकार है, ये संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करना, इसमें क्या दोषपूर्ण लगता है आपको? कुछ भी दोषपूर्ण हमें नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर प्रदीप जी अब सीधा सा सवाल है, क्योंकि हमने देखा था जब शपथ ग्रहण हो रहा था देवेंद्र फडणवीस का, आखिरी समय में फोन लगाकर अमित शाह की ओर से और बाकी बड़े नेताओं की ओर से उद्धव ठाकरे को उसमें शामिल करवा लिया गया, 12 नवंबर के ठीक पहले आपको कोई गुंजाइश दिखाई देती है क्या कि फिर एक कोई ऐसा फोन जाए और उसके बाद स्थिति सामान्य हो जाए और बीजेपी शिवसेना एक साथ मिलकर सरकार बनाए? देखिए, काफी कुछ निर्भर करेगा शिवसेना के रुख पर, ये 12 नवंबर से पहले भी हो सकता है और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए 12 नवंबर के बाद भी हो सकता है, ये असंभव बात नहीं है। बिल्कुल, सवाल ये है कि शिवसेना की जो मांग है और बीजेपी जो देना चाहती है उसके बीच तालमेल कैसे बैठे। बिल्कुल, अगर शिवसेना अपनी मांग से पीछे हटे या बीजेपी जो देना चाहती है उससे आगे बढ़े, दो ही रास्ते हैं समझौते, तो निश्चित रूप से समझौता हो जाएगा। अब जो स्थिति 19 तारीख को अक्टूबर को थी उससे बदल चुकी है, शिवसेना भी नीचे आई है और बीजेपी के रुख में भी नरमी है। बीजेपी को भी पता है कि एनसीपी के साथ अगर सत्ता में बने रहे तो उसके लिए ये एक मॉरल डेफिसिट होगा, निश्चित रूप से सवाल उठेंगे। बिल्कुल, हर मुद्दे पर सवाल उठेंगे, एनसीपी को लेकर जितनी गड़बड़ियां घोटाले हुए हैं उन सब पर सबकी नजर रहेगी कि सरकार क्या करती है, एक्शन ले रही है नहीं ले रही। अगर सचमुच भी बरी हो जाए एनसीपी के नेता तब भी शक होगा कि सरकार ने उनको बचाया है। तो ये स्थिति शायद बीजेपी नहीं चाहेगी, लेकिन समझो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि ये पार्टी अब अटल आडवाणी की पार्टी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की पार्टी है, तो समझौता बीजेपी की शर्तों पर होगा। अगर इस बात को शिवसेना, इस सच्चाई को, वास्तविकता को स्वीकार कर लेती है तो समझौता हो सकता है। लेकिन क्या शिवसेना इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए जाएगी, जैसा पहले भी आपने कहा केंद्र से वो जाएगी, राज्य से वो जाएगी, बीएमसी और साथ ही ठाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी उसके हिस्से, आपको लगता है क्या कि इतना बड़ा रिस्क ले लेगी, वो भी एक दो मंत्री पद के चलते? नहीं लेगी, इसीलिए आप देखिए लगातार जो ढील दे रही है शिवसेना, लॉन्ग रोप दे रही है, उसका यही कारण है कि वो चाहते हैं कि समझौता हो, लेकिन जो बीजेपी देना चाहती है उनको लगता है ये हमारे लिए सम्मानजनक नहीं है, तो कोई सम्मानजनक स्थिति जो उनके मुताबिक बने उस पर तुरंत समझौते के लिए राजी हो जाएंगे, लेकिन क्या बीजेपी उसके लिए तैयार होगी, सवाल ये है। बिल्कुल, सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन सम्मानजनक स्थिति वो भी नहीं होगी अगर एनसीपी के साथ जाती है बीजेपी। और इसी सवाल के साथ संजय निरुपम जी, क्या अपना राजनीतिक नुकसान करने जा रही है महाराष्ट्र में बीजेपी एनसीपी का साथ लेकर? मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जिस नैतिकता के आधार पर उन्होंने पूरा चुनाव प्रचार किया था, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लोगों को जगाया था, नरेंद्र मोदी जी पानी पी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार अगर एनसीपी का समर्थन लेती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान, राजनीतिक नुकसान बहुत बड़ा है, वो शायद आज नहीं दिखेगा,
आगे जाकर के दिखाएंगे। जो लोगों का देखिए राजनीति परसेप्शन से होती है, ये परसेप्शन जरूर बिगड़ने वाला है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर रखा है कि किसी तरह से हमको अपना विस्तार करना है, कहीं शिवसेना को नष्ट करके, कहीं पे अकाली दल को नष्ट करके, कहीं पे ये अपना हरियाणा वाले जो नेता थे उनको नष्ट करके, अगर उनने विस्तारवादी रवैया और रुख अपना लिया है और यही उनका धर्म है तो ये एक दूसरी बात है, लेकिन ये विस्तार कहीं ना कहीं जाकर के उनके लिए विनाशकारी भी साबित हो सकता है। बिल्कुल, और इसी सवाल के साथ नरसिम्हा राव जी, विनाशकारी साबित हो सकता है महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ आपका जाना? आप मुस्कुरा रहे हैं इस सवाल पे जी। संजय निरुपम जी को भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के फ्यूचर के बारे में इतनी चिंता है, ये बात जानकर मुझे अच्छा लगा। लेकिन हमें 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 पूरी जानकारी है, हमें इतनी बुद्धि है कि क्या करने से हमारे पक्ष में हमारे लाभ होगा और जनता का लाभ होगा, तो इसके बारे में हम पूरी तरह सोच समझ कर ही हम आगे कदम ले रहे हैं। लेकिन हमारे सबसे बड़ी प्राथमिकता महाराष्ट्र में ये है कि वहां जनता को वहां एक सुशासन की जरूरत है, वहां एक सरकार की जरूरत है। जो 15 साल से जो कांग्रेस और यूपीए की सरकार से वहां लोग एक तरह से पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुके हैं कांग्रेस और एनसीपी की वजह से, देने की समय है तो हम वो राहत देंगे, अच्छी सरकार देंगे। उसका कौन समर्थन कर रहा है, कौन हमारे सरकार को वहां विधानसभा में हमें समर्थन देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हम अपनी एजेंडा के आधार पर काम करेंगे। यदि ऐसे कभी परिस्थिति बनी, वहां स्थिर सरकार नहीं बन सकेगी, हमें सरकार कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, वो भी हम फेस करेंगे। लेकिन हम अपने एजेंडा पर, अपने मैनिफेस्टो पर कायम है। हम सारे वायदा जो हमने किया है जनता के साथ वो देकर एक सुशासन का हम एक मॉडल महाराष्ट्र में भी साबित करेंगे, जैसे हमने पूरे देश में किया है। बिल्कुल, महाराष्ट्र की जनता ये चाहती भी है और साथ ही चाहती है स्थिर सरकार। लेकिन आपकी बातें जो आखिरी में समझ में आई कि फिर सोचा जाएगा अगर स्थिर सरकार नहीं हुई, क्या राजधानी दिल्ली की राह पर चली जाएगी महाराष्ट्र की जनता एक बार फिर से? क्योंकि अभी तक की बातों से यही समझ में आया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। हमारी ये बड़ी बहस लगातार, जनता को जवाब कैसे देंगे, इसी पर हमारी ये बड़ी बहस लगातार जारी है। महत्वपूर्ण बातें प्रदीप जी आपकी ओर जोड़ी गई थी कि कुछ ऐसी बातें जरूर हैं जिनका ध्यान बीजेपी रखी हुई है कि अगर इस तरह से हम सरकार नहीं बना पाए तो कुछ दूसरे दलों के विधायकों को तोड़कर फिर अपने बैनर तले चुनाव लड़ाकर और हम मैदान में जाएंगे। जरा विस्तार से बताइए। नहीं, ये बीजेपी कर्नाटक में ये प्रयोग कर चुकी है। कर्नाटक में भी स्थिति ऐसी ही थी, बहुमत से थोड़ा कम मिला था उनको, तो ऑपरेशन कमल के नाम से ये अभियान चलाया था उन्होंने कि दूसरे दलों के विधायकों को इस्तीफा दिलाकर अपने पार्टी सिंबल पर चुनाव जिताने का। तो मुझे नहीं लगता कि ये तभी होगा अगर शिवसेना और बीजेपी का समझौता नहीं होता है, जिसकी गुंजाइश अभी बनी हुई है। एनसीपी के साथ बहुत लंबे समय तक बीजेपी चलेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। बिल्कुल, 12 तारीख को निश्चित रूप से उनको विश्वास मत एनसीपी के समर्थन से मिलने जा रहा है, लेकिन उसके बाद बीजेपी अपना रास्ता तलाश करेगी अगर शिवसेना से समझौते की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो समझौता हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। एनसीपी का रोल सिर्फ झुंझुने की तरह रह जाएगा क्या? बीजेपी अपने हिसाब से बजाएगी और फिर अलग कर देगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एनसीपी ने अपने अपनी पार्टी के हित से, अपने राजनीतिक हित के हिसाब से ये समर्थन देने का ऐलान अपनी तरफ से किया है। बिल्कुल, वो कोई बीजेपी की मदद करना चाहते हो बहुत ऐसा उसमें नहीं है, उनका उसमें फायदा है, राजनीतिक फायदा है जो शरद पवार को दिखाई दिया। इसलिए बीजेपी बहुत लंबे समय जिस तरह का बैगेज है एनसीपी का उसको लेकर लंबे समय तक चलेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल, इसकी गुंजाइश कम ही है। लेकिन जीवीएल नरसिम्हा राव जी, जो बातें प्रदीप जी की ओर से कही गई है, ऑपरेशन कमल की संभावना भी क्या महाराष्ट्र में बीजेपी देख रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल ये एक स्पेकुलेशन है आपका, इस तरह का मैं समझता हूँ। स्पेकुलेट करने में भी कोई औचित्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये जैसा मैंने कहा है, हम यदि समर्थन मिलता है सरकार चलाते रहेंगे, ये 5 साल तक ऐसे चल सकेगा क्योंकि हमारी सरकार देश राज्य के हित में काम करेगी, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। यदि कभी ऐसा परिस्थितियां बनेगी जिसके कारण 5 साल नहीं चल पाएगी सरकार, हम अपने परफॉर्मेंस के आधार पर, हमें अपनी ताकत के आधार पर चुनाव में जाने के लिए तैयार होंगे। तो फिर तो वो दिल्ली वाला हाल हो जाएगा ना सर,
शिवसेना के साथ जाने में दिक्कत क्या हो रही है? एक दो मंत्री पद को लेकर आप दिल्ली से कोई कंपैरिजन मत कीजिए जी। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पार्टी से कंपेयर करना मुझे लगता है बिल्कुल इसमें कोई औचित्य नहीं। पार्टी से नहीं, केजरीवाल से कंपेयर किया जा रहा है। केजरीवाल है ना, उनके पास कोई एजेंडा है क्या? महाराष्ट्र में महाराष्ट्र को अधर की ओर में छोड़ना ये नहीं माना जाएगा कि एनसीपी के साथ अगर कुछ मुद्दों पर आगे मतभेद होता है तो वो अगर अपने आप को पीछे खींच लेते हैं फिर हम चुनाव में चले जाएंगे? महाराष्ट्र की जनता ने तो 5 साल के लिए चुना है ना आप लोगों को। देखिए आगे क्या होता है, अब देखिए 2 साल के बाद क्या होता है, 5 साल के बाद क्या होता है कि वो तब हम देखा जाएगा। बट लेकिन ये परिस्थितियां ऐसी बनी हैं मेरे विचार से अभी जो स्थिति बनी है उसमें एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को चलाने में सबसे ज्यादा फायदा है, सबसे ज्यादा जनता के हित में है। यदि शिवसेना शामिल होना चाहती है सरकार में वो किसी दबाव के कारण नहीं होगा, कोई एक कॉमन एजेंडा के आधार पर और एक रीजनेबल बातों से, क्योंकि हमको लगा कि चुनाव के दौरान जो सीट एडजस्टमेंट्स की, सीट एलोकेशन की जो बात थी हमको वो रीजनेबल एडजस्टमेंट नहीं लगा है। तो यदि कोई रीजनेबल बात होती है तो समझौता बन सकता है, कोई किसी दबाव में या किसी को हमारे हितों को त्याग करते हुए किसी को खुश करने के लिए सरकार बनाएंगे, किसी प्रकार की कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे ये बिल्कुल बेबुनियाद है। हम ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करेंगे, हम जनता के हित में जो भी काम करना होगा वो सारा काम करेंगे और बाद में जनता निर्णय करेगी। प्रेम शुक्ला जी, बाद में जनता निर्णय करेगी लेकिन बीजेपी फिलहाल किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज करने 12 तारीख को नहीं जा रही है। लेकिन आपको लगता नहीं है क्या कि आपका अगर साथ ले लेती तो कम से कम 5 साल स्थिर सरकार दे पाती बीजेपी महाराष्ट्र में? ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, तय तो आपको भी करना है। सरकार बनाने का निमंत्रण है, एक कदम हम चले, एक कदम तुम चलो और उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचा जाए। शिवसेना तो हिंदुत्व के लिए कदम दर कदम चलती रही है। अब अगर कोई जो है अभी से सरकार बनते बनते ही उर्दू को द्वितीय भाषा घोषित कर दे और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण शुरू कर दे तो हरी टोपी देना भी शिवसेना का धर्म समझती है। आज दिवाकर रावते जी गए थे इसलिए हरी टोपी लेकर, वो तो आप लोग आज देने के लिए भी पहुंचे हुए थे। लेकिन चलते चलते प्रदीप जी, अब आगे क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं देखिए, अभी 12 तारीख को तो सरकार विश्वास मत प्राप्त करने जा रही है। मुझे नहीं लगता कि 12 से पहले कोई समझौता होगा, समझौता जो होना है उसके बाद ही होगा और बीजेपी की शर्तों पर होगा। शिवसेना की शर्तों पर बीजेपी समझौता नहीं करने का मन बना चुकी है, ये सेंट्रल कैबिनेट के एक्सपेंशन से बिल्कुल साफ हो गया। बिल्कुल, और इसी राजनीति पर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप चारों मेहमान का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 12 तारीख को अल्पमत की सरकार बनेगी, एनसीपी समर्थन देगी, लेकिन कम से कम महाराष्ट्र की जनता का बीजेपी ध्यान रखे, ख्याल रखे और एक स्थिर साथ ही मजबूत सरकार मिले, इस उम्मीद के साथ बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल।